हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस अंक में। आज स्टूडेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 12वीं के बायोलॉजी विषय का ब्लूप्रिंट, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आज आपको डिटेल बताऊँगा। इससे पहले आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले 16 जो अध्याय है उसको अलग अलग 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, उसको आप देख लीजिए। अध्याय 1, 2, 3, 4 को मिलाकर पहला यूनिट बनाया गया है, जिसमें से 14 नंबर का प्रश्न आएगा। यूनिट 2 में 5, 6, 7 अध्याय को शामिल किया गया है। ये स्टूडेंट्स आप अपने बायोलॉजी बुक ओपन करके देखेंगे उसमें दिख जाएगा। यूनिट 3 है उसमें अध्याय 8, 9, 10 शामिल है। यूनिट 4 में 11, 12 शामिल है। यूनिट 5 में 13, 14, 15, 16 शामिल है। कुल जो अधिक, सबसे अधिक यूनिट 2 से सवाल 18 नंबर का पूछा जाना है प्रश्न। और इसके साथ ही साथ ये देख लीजिए कितने नंबर के, किस लेवल के प्रश्न आएंगे। अति लघु उत्तरीय एक एक प्रश्न 5 आएगा, एक एक नंबर के 5 प्रश्न। लघु उत्तरीय 10 नंबर का, लघु उत्तरीय 1, 2 नंबर वाले, 1, 3 नंबर वाले 36 नंबर का, दीर्घ लघु उत्तरीय 4 और 5, 4 नंबर वाले 1, 5 नंबर वाला 3। इस तरह से 70 नंबर के 26 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन प्रश्नों को आप आइए डिटेल में देखें। देखिए छात्रों, यूनिट 1 जो जनन है उसमें से एक एक नंबर के सवाल 1 आने हैं, 2 नंबर का 1 सवाल आएगा, 3 नंबर के 2 सवाल आएंगे और 5 नंबर का 1 सवाल, कुल 14 नंबर का आ रहा है। यूनिट 2 अनुवांशिकी तथा विकास, इसके अंतर्गत जो अध्याय शामिल है उसमें 1 नंबर का 1 भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2 नंबर के 2 और 3 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा 18 अंक का इसी यूनिट से है। और मानव कल्याण में जीव विज्ञान इस यूनिट से 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 2 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, कुल 14 मार्क्स में। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, कुल 10 अंक के। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम जो यूनिट है उसमें से कुल 14 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 1 1 अंक के 2 सवाल, 2 अंक का नहीं है, 3 अंक का 1 सवाल, 3 अंक का 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 दिया 12 और 1 1 अंक का 2 2 14 2, 4 और 5 अंक इसमें से नहीं पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे अधिक जो यूनिट 2 में 18 अंक के सवाल पूछे जाएंगे और यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 इसमें से 14 14 अंक के सवाल और यूनिट 4 से केवल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरह से 70 अंक। अगर PDF में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं PDF आपको मेल कर दूँगा। धन्यवाद।